फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाली हूँ मैं एग फ्रेंच फ्राइज। हाँ तो यार मुझे ना चिकन मटन खा खा के मन कर रहा है कुछ वेज स्नैक्स खाने का। ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? वेज खा के लोगों का मन करता है चिकन मटन खाने का, लेकिन मेरे साथ हो गया है उल्टा। तो मैंने अम्मी को बोला अम्मी कुछ बनाओ वेज स्नैक्स में। अम्मी बोलते हैं मैं फ्रेंच फ्राइज नहीं है, अंडा कहां से वेज में होता है? सुनो। तो अम्मी बोले कि मैं ना फ्रेंच फ्राइज बनाऊंगी। मैं सीधा साधा फ्रेंच फ्राइज खा के क्या मतलब? तो अम्मी बोले कि चलो कुछ ना उसमें ट्विस्ट करते है ना। तो बताओ फिर तुम किस तरीके से बनाने वाले? आज मैं अंडा मिक्स करके बनाऊंगी। हाँ यानी कि आज आपको थोड़ा अलग तरीके का फ्रेंच फ्राइज खाने को यानी कि देखने को मिलेगा। खाऊंगा तो मैं। तो चलो फिर नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे के अंडा है ना, एग फ्रेंच फ्राइज बनाने के लिए अम्मी क्या क्या लेंगे। चलो तो सबसे पहले लेंगे हम आलू, अंडे, मैदा, काली मिरी, कुटी हुई लाल मिर्चें, चाट मसाला, जीरा पाउडर, मिर्ची पाउडर, नमक। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम आलू ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो आलू ली हूँ, वो भी बड़े साइज के। ठीक है, ये 150-150 ग्राम का एक एक आलू होगा। ये 300 ग्राम आलू है। ठीक है, मैंने इसको पहले छील ली हूँ और इसको पानी में मैंने रख दी थी। अब हम इसको काटेंगे, चाहे इस तरीके से काटिए चाहिए इस तरीके से काटिए, जैसा आपको जमे वैसा काटना। ठीक है, तो मैं अभी इसको काटना स्टार्ट करती हूँ। ज़्यादा मोटा मोटा भी नहीं काटना है। तो देख रहे आप लोग, मैंने दोनों आलू काट ली हूँ। अब क्या करेंगे हम, कोई एक साथ ऐसा पकड़ के काटता है, कोई सिंगल सिंगल काटता है। तो मैं बोल रही आप लोगों को कि आप सिंगल ही काटेंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है, सिंगल काटने से एक जैसे सब अच्छे से कट जाएंगे और बड़े प्यार से कटेंगे, उंगली बिंगली संभाल के। इसलिए मैं तो बोलूँगी एक एक ही करके काट लीजिए। ठीक है, तो देख रहे आप लोग मैंने इस तरीके से काट ली हूँ पूरे सब। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसको 2 से 3 पानी में धो लेंगे। इसको अच्छे से धोना है, एक पानी में नहीं धोना, कम से कम 3 पानी में धोना इसको जरूरी है। तो देख रहे आप लोग मैंने इतना इसको धोई हूँ कि आलू डालने के बाद हमारा पानी वाइट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब पूरा पानी क्लियर हो गया है। अब इसको आराम से निकालेंगे और यहाँ पर मैंने टिश्यू पेपर फैला के रखी हूँ। आप चाहे तो आपके पास एक टुवाल या कपड़ा कॉटन का कुछ भी हो उस पर आप ये बिछा देना। हमें इसका पानी बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो देख रहे आप लोग मैंने पूरा अच्छी तरीके से बिछा ली हूँ। अब क्या करेंगे हम और टिश्यू पेपर लेंगे और इसके ऊपर डाल देंगे और एकदम हाथों के मदद से इसको अच्छे से दबा दबा के पूरा इसका गीलापन इस तरीके से निकाल लेंगे। आप लोग देख रहे होंगे मेरा टिश्यू बहुत आराम से गीला हो रहा है। इस तरीके से क्या टिश्यू इस पे चिपकेगा भी नहीं और कुछ होगा नहीं। बहुत ज़ोर ज़ोर से एक के ऊपर एक रख के अगर रगड़ेंगे तो आलू को टिश्यू चिपक जाएंगे। ठीक है, ये अब हम इस तरीके से कर लिए हैं। देख रहे आप लोग ये इस तरीके से। तो यहाँ पर मेरे ये आलू रेडी हो गए बर्तन में निकालने के लिए। और उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने यहाँ पर एक आलू के इस तरह के भी रिंग बना ली हूँ। ठीक है, इसको भी मैं आपको टिश्यू में सुखाकर बताती हूँ। ठीक है, तो देख रहे आप लोग मैंने पूरा इसको सुखा ली हूँ अच्छे से टिश्यू पेपर पे। ठीक है, अब क्या करेंगे हम इसमें मसाला लगा लेंगे। ऐसा खुला बर्तन लेना मसाला लगाने के लिए, तब जाके आपके आलू में अच्छे से मसाले लगेंगे। छोटे बॉल में लेंगे तो वो उलट पलट करने में बटाटे बाहर आ जाएंगे। ठीक है, और देखो मैंने ये भी ना सुखा ली हूँ अच्छे से। ये रिंग मैंने कैसे बनाई हूँ, इसको कतली के जैसे आलू काटी हूँ, फिर उसको ये ढक्कन के साथ ऐसा करके डिप करी हूँ। आपके पास अगर कटर वटर होगा तो बहुत इजी से बन जाएंगे आपके पास तो रिंग, नहीं तो मत बनाना, बहुत टाइम जाएगा। हाँ, नहीं तो मैंने तो अपना देखो मेहनत करके बनाई, छोटी सी छुरी ली, इसको थोड़ा सा गोल शेप करी, फिर ये ढक्कन करी। देखो जिसको खाना है, जिसको अच्छा दिखाना है तो वो कर सकता है मेहनत। ठीक है, तो मैंने इसको भी इसमें ही मिला लिया। हम इसको भी इसके साथ ही मसाला लगा लेंगे।
अब हम इसमें ये दो अंडे ले लिए हैं जो हम इसमें फोड़ के डाल देंगे। लिक्विड के नाम पे अंडे ही डाले जाएंगे इसमें, इसलिए हमने पहले पूरा सुखा लिए हैं। वाह, अब डालेंगे हम इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें, आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं जीरा पाउडर, एक पाव चम्मच डाल रही हूँ काली मिरी, एक चम्मच डालेंगे हम लाल मिर्ची पाउडर, उसके साथ ही साथ डाल देंगे एक चम्मच चाट मसाला। अब डालेंगे हम एक चम्मच नमक, ये तो नमक तो आप अपने हिसाब से डालना, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ। अब हम इसको अच्छे से हाथों की मदद से मिला लेंगे, ठीक है। और मसाला अंडे फेंट के इसमें अंडे डाले हुए ना, तो इसलिए मसाले तो इसमें अच्छे से चिपक ही जाएंगे, ठीक है। तो देख रहे हैं आप लोग, मैंने पूरा अच्छे से मिक्स कर दी हूँ, मसाले लग गए हैं। अब मैंने जो तीन चम्मच यहाँ मैदा ली हूँ, ये अब डालेंगे हम इसमें, थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से इसमें मिला लेंगे। हाँ, अब इसको भी अच्छे से मेहनत करके मिला लेंगे। मैदा पहले नहीं डालना, ठीक है, पहले अंडा और मसाला पूरे आलू को चिपक जाने के बाद ही ये डालना मैदा, ठीक है, मैदा पहले बिल्कुल नहीं डालना। तो देख रहे हैं आप लोग, मैंने पूरा मसाला अंडा मैदा सब मिक्स करके रख दी हूँ, ये हो गया इस तरीके से, है ना। अब क्या करेंगे हम इसको रखते हैं, हाथ धो के आते हैं और तेल गरम करके आते हैं। तो चलो हमारा तेल हो गया है गरम, अब क्या करेंगे हम, अब एक एक उठाएंगे और बिस्मिल्लाह करके डालते जाएंगे, है ना। माशाल्लाह, और एकदम फास्ट पे नहीं पकाएंगे, थोड़ा गैस स्लो कर देंगे पहले, हमारे बटाटे अंदर से अच्छे तरीके से पकने चाहिए, है ना। मैं एक रिंग वाला भी डालती हूँ। वाह, तो देख रहे आप लोग, अल्टी पल्टी करके मैंने सेक ली हूँ, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा कलर डालते तो और अच्छा लगता था ना रियाज। हाँ तो डालो, मस्त लगता था, कलर डालते तो और अच्छा लगता था, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, ये जो बचे हुए हैं ना, हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर डाल देते ताकि हमारे आंखों को अच्छा लगे, है ना। वैसे कितना देर पकाए थे तुम अभी ये? ये कुछ 5 मिनट भी नहीं पकाए, 3 मिनट धीमी आंच पे, हाँ, ताकि हमारे आलू अच्छे अंदर से पक जाए। देखो है ना, जान आ गई ना, थोड़ा सा कलर डालते साथ ही, है क्या नहीं। अब इसका कुछ लुक अलग आएगा। तो देख रहे आप लोग, फ्राई हो गए, ये पूरे 4 मिनट लगे मेरे को इसको फ्राई करने। अब ये है मेरे कलर वाले, है ना, मस्त लग रहा है ना आंखों को, देखो इतना कितना फर्क है, ये बिना कलर वाले और ये कलर वाले, माशाल्लाह। अब इसी तरीके से मैं और तल लेती हूँ। अब मैं रिंग तलती हूँ, पहले आप लोगों को बताती हूँ रिंग, ये डाले हम रिंग। तो देख रहे आप लोग, ये मेरे रिंग वाले बटाटे तैयार हो गए। ये जलेबी है ना? जलेबी बोलो, जो भी बोलो, आप लोग जो खाते वो बोलो। ये मैंने नया इसको रिंग वाला बना दियो, ठीक है। तो दोस्तों तैयार हो गया अपना फ्रेंच फ्राइज, वो भी कौन से, एग वाले, ये देखो। तो देखिए कैसा है ना, स्ट्रीट फूड जाएगा पे कुछ मांगो ना तो ज्यादा मिल जाता है। हाँ। और एक बात बोलूं, ये हमारी जमाने में बोले तो आलू और अंडे के नाश्ता है जो, हाँ, चाय के साथ खाया जाता, हाँ, कभी कभार बन जाता, हाँ, है घर में। ये फ्रेंच फ्राइज फ्रीज, ये हमको नहीं आता, ये हमको सही में यार, ये देखो ना फ्रेंच फ्राइज पूरा ना अंडे से, अंडे और मसाले की कोटिंग में फुल टू पैक है, हाँ। खाने बहुत ही मजा आएगा, क्योंकि ज्यादातर लोगों को क्या फ्रेंच फ्राइज ऐसा नहीं पसंद आता है, सिंपल सा सादा, हाँ। लेकिन कभी कभार ऐसा मिल जाए ना तब मजा आता है, सादा तो हमेशा ही खाते ना, हाँ, तो मैं बोला अलग। तो आइए पहले ना मैं इसको ऐसा तोड़ूंगा दोनों को, ऐसा एकदम मस्त लगता है चटपटा। अभी मैयोनीज या केचप? नहीं मुझे केचप, अम्मी को केचप।
ये लो। बिस्मिल्लाह। अब आओ, मैं पानी आ रहा है, ये ले बड़ा वाला मसाले वसाले सब डाली हूं मैंने, इसके मेयोनीज के साथ खाऊंगा, थोड़ा ज्यादा हो गया तब मोटा हो जाऊंगा खाऊंगा। क्रिस्पी है मेरा वाला। मैं क्या बोली अभी, हमेशा खाते हो सादा वाला, तो हमेशा खाते रहते हाँ। वो सभी बनाते हैं उसको, आलू काट के तल लिए। मम्मी ने रिंग में भी काटे, थोड़ा इसको टाइम ज्यादा चला गया था काटने में, खट्टा मारम पीटी हो गई थी, लेकिन फाइनली बन गया। मैं बोले नहीं रिंग वाले बनाएंगे, बोला मैं क्या टाइम पास कर रहे हैं क्या। देखो अगर मेहनत करने में कोई अच्छी चीज बनती है तो क्या मुश्किल है। बगल मास बना, मेरे पास कटर होता ना तो मैं आपको पूरा ये रिंग में ही बताती थी, लेकिन वो ना मेरी बॉटल का ढक्कन है ना, वो भी अगर जर्मन का होता तो भी मैं बना लेती। वैसे ना मुझे ये स्नैक्स स्टार्टर्स बहुत पसंद है, वो तो अभी चिकन मटन बना लेते तो खाना पड़ लेता है। चिकन के भी बनाती हूँ मैं ऐसे सेम हाँ। तो बोलता आलू के क्यों बना रहे, वही बनाते ना। तो आलू के अभी पता है चिकन के हमने कब बनाया, जब आप लोग कमेंट करेंगे कि हाँ भाई चिकन के भी फ्रेंच फ्राइज बनाओ, तो हमें चिकन के फ्रेंच फ्राइज जरूर बनाएंगे। ऐसे बहुत सारे नाश्ते में बनाती हूँ घर में हाँ, जिसके नाम नहीं मालूम मुझे, आप लोग जो क्या क्या बोलते हैं इंग्लिश में ये वो ठीक है, लेकिन मैं मेरे हिसाब से बोलूंगी मेरा आलू का नाश्ता है हाँ। अच्छा बना, देखो मेरा तो हाथी और मुंह नहीं रुक रहा है। कौन कौन बताओ, ये चाय के टाइम चलता है ना, शाम के टाइम, ये खाने वाने के टाइम पे थोड़ी खाया जाता है, ये शाम को चाय। ये फ्राइज ना ज्यादातर ऐसे स्कूल में खाना पड़ता है। अच्छा हाँ, मॉल में, क्योंकि यार अकेला तो इंसान जल्दी खाते नहीं, फ्रेंड्स लोग के साथ ही बैठता है। फ्राइज का ऑर्डर दिया तो पता ना फ्राइज फटाफट खा लो, नहीं तो वो खा लेगा ज्यादा। पहला बर्गर फ्राइज और पेप्सी आना, तो बर्गर को भी हाथ के लोगों में पेप्सी भी दूर रहेगी। पहला फ्राइज खाओ, पहला फ्राइज खाओ, मेरा बर्गर तो कोई छीनने वाला नहीं, फ्राइज ही खत्म हो जाते। इंसान बर्गर खाने से पहले फ्राइज करता है, दो चीज होती है, पहले एक चीज जल्दी खत्म हो जाता है, दूसरी चीज ठंडा होने के बाद अच्छा नहीं लगता, तो क्या गरम गरम खाने में मजा आती है। ये आप लोगों के साथ इसकी हरकतें भी शेयर करता है ना, मैं अपनी रियल स्टोरी शेयर करता हूँ, वो लोगों को अच्छा लगता है, मैं सही में ऐसी हूँ। लेकिन मत बना यार, आप लोग भी ट्राई करो, अभी बात तो कर, खाए जा बात तो कर, अभी खत्म हो गया तो तुम बोलेगा नहीं नहीं नीचे और लोग बचा के रख दो। ऐसा है तो देखो, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चिकन का फ्रेंच फ्राइज देख के सब्सक्राइब करेंगे क्या, अभी सब्सक्राइब करो ठीक है। और कुछ बोलना है नहीं, अभी कुछ नहीं बोलना है मैं। और मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो करो, इंस्टाग्राम की आईडी है स्ट्रीट फूड जायका, इंस्टाग्राम पे सर्च करने से अच्छा जाके मेरे कमेंट बॉक्स में मैंने पिन किया है तो उसे ओपन करो और मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करो ठीक है। टमाटर के साथ बहुत मसल रहे हैं, और आपको थोड़ी अलग यूनिक टाइप की चटनी चाहिए ना तो मेयोनीज और केचप को दोनों को मिला दो, मस्त लगता है उसके साथ भी। हाँ मैंने बताई थी आपको बर्गर के टाइम पे भी बताई थी, और एक रोल बनाई थी तभी बताई थी। और ऐसा बताना है कौन कौन करता है फ्राइज फटाफट, कौन खाता है, ज्यादातर फ्रेंड लोग के साथ रहते ना तो फ्राइज फटाफट ही खाते है हाँ। चलो अब चलते मैं हाँ, और अगर ज्यादा और ज्यादा क्रिस्पी चाहिए अगर आपको ये, तो मैं आप लोगों को एक टिप्स और देके जा रही हूँ कि चावल का आटा मिक्स करके फ्राई करना, समझ जाओ ठीक है। वैसे है इसमें से कुछ कुछ क्रिस्पी हाँ। भी है, नहीं नहीं क्रिस्पी ये भी बनते हैं, लेकिन ज्यादा क्रिस्पी जो खाते हैं उन लोगों के लिए टिप दे रही हूँ कि चावल का आटा इसमें मिक्स करके फिर फ्राई करना ठीक है। चलो अब चलते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ, तब तक के अल्लाह हाफिज, बाय बाय, दुआओं में याद रखना, तबीयत का ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज।